हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मेरा नाम है शिव, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A51 के बारे में, जो कि मैंने रिसेंटली 2-3 वीक्स हो चुके होंगे मैं इसको यूज कर रहा हूँ। 25,250 में मैंने ये फोन खरीदा था। तो मैं ये फोन के बारे में आपको बताऊंगा एज अ यूजर, आप इस फोन को लेने के बाद एज अ यूजर जब आप इसे यूज करते हो तो आपको क्या क्या अच्छी बातें आपकी आपको इसकी लगेगी और क्या क्या बुरी बातें आपको इसमें, कुछ बुरी बातें भी है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आपको इस फोन के बारे में एज अ यूजर जब आप इसे यूज करते हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने जब यह फोन खरीदा तो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग था, मेरे फोन का फोन लो 25,000 की मेरी बजट थी, पोको लू या रियलमी X2 लू, बहुत कंफ्यूजिंग था तो मैंने यह फोन लिया। अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस आपको दिखेंगे, लेकिन जब आप इसे खरीदते हो और आप इसे यूज करना चालू करते हो तो इसमें क्या क्या आपको अच्छी चीजें मिलती है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट में मैं इसमें कुछ आप 2 या 3 अपडेट इसमें आ चुके हैं, तो अपडेट के बाद क्या क्या नई चीजें आए हैं इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसके डिजाइन की तरफ। तो डिजाइन इसका बहुत ही अच्छा है, दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। पीछे ग्लास्टिक है, ग्लास होता तो अच्छा होता, लेकिन ये भी कोई डिसएडवांटेज नहीं, बहुत ही अच्छा ही है। लेकिन ग्लास्टिक होने के कारण थोड़े स्क्रैचेस के पास होते हैं, लेकिन हम एज अ यूजर बात कर रहे हैं तब एज अ यूजर हम लोग कवर तो चढ़ाएंगे ही इसके ऊपर, तो कवर चढ़ाने से अपना कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये नेक्स्ट चीज इसकी डिस्प्ले, सैमसंग का फोन है और डिस्प्ले तो ऑब्वियसली अच्छी होगी। डिस्प्ले में मुझको कोई दिक्कत नहीं है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 5.5 इंच का पंच होल तो क्या ही कहने, डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। बट मुझे इसका एक कॉन लगा, डिस्प्ले अच्छा है लेकिन डिस्प्ले प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 3 की है, अगर 5 होती तो और अच्छा होता। लेकिन एज अ यूजर हम लोग तो इसके ऊपर टेम्पर लगा के इसके कॉन को हम लोग बच सकते हैं इसके फोन से। जो प्रोसेसर है ना वो Exynos का 9691 प्रोसेसर है, जो कि स्नैपड्रैगन के कंपैरिजन में थोड़ा सा पीछे है। अगर 730G से कंपेयर करें, 712 से करें, 730 से भी कंपेयर करें तो थोड़ा पीछे है। अगर एज अ यूजर डेली लाइफ में अगर आप गेम्स खेलते हो, गेम्स इन अ सेंस देख आप दिन में 3-4 आवर गेम्स करते हो, सुबह में थोड़ा 1-2 मैच खेल लिए, शाम में थोड़ा, ऐसे आप गेम खेलते हो तो आप वैसे गेम खेलने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा पुराना है, बट इसका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोसेसर के साथ बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज होकर है, तो इसलिए आपको जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी खासी मिलेगी। अगर आप कंपेयर करें दूसरे फोन से तो उतनी अच्छी नहीं होगी। अगर आप डे टू डे यूसेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिन में 3-4 घंटे गेम्स खेलने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं भी पबजी खेलता हूँ लेकिन उतना नहीं, सुबह में थोड़ा खेल लिया फिर शाम में बस उतना ही, उतना गेम्स खेलने का हो तो आपको कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ा वार्म तो होता है जब आप पबजी वगैरह खेलते हो। तो इसके कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो ऑन पेपर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो कि सैमसंग का है, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो कैमरा क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, अगर आप चाहो तो फ्लैगशिप से आप इसे कंपेयर कर सकते हो। और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, अगर आप चाहो तो ना इसे फ्लैगशिप से कंपेयर कर सकते हो। सब कुछ इसमें बढ़िया मिलता है कैमरा में, अगर आप ये फोन लेते हो कैमरा के लिए तो आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, आग बंद करके आप ये फोन ले सकते हो। हाँ, थोड़े मोट नाइट में अगर आप पकड़ते हो तो लो लाइट कंडीशन में नाइट में तो थोड़ा आपको नॉइज मिलता है, क्योंकि फ्लैगशिप्स में भी आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी थोड़ी सी नॉइज, लेकिन ओवरऑल कैमरा इसका बहुत ही अच्छा है, अगर आप कैमरा के लिए लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस, अब इसके कैमरा के बारे में बात करते हैं। ऑन पेपर 48 मेगापिक्सल का मेन, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ, और फ्रंट कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल का आता है। ऑन पेपर अच्छा है लेकिन अगर आप रियल लाइफ में भी आप इसको देखें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, अगर आप चाहो तो इसे फ्लैगशिप से भी आप कंपेयर कर सकते हो। और इसका जो नाइट मोड है अच्छा है, अगर आप लो लाइट में पकड़ोगे तो थोड़ा आपको नॉइज मिलेगी, तो बड़े से बड़े फोन में ये प्रॉब्लम को होती है, तो हम लोग इसे इग्नोर करते हैं नाइट के लिए।
तो मैं इसमें कोई आपको शॉर्ट्स नहीं दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो किसी और के यूट्यूब चैनल्स पे भी आप देख सकते हो इसका कंपैरिजन वगैरह। मैं इसे नॉर्मल यूजर एज अ डेली अगर आप यूज़ करते हो तो आपको कैसा फील होगा उसके बारे में ये वीडियो है। और गाइस इसका अगर आप कैमरे के लिए फ़ोन लेते हो तो आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। अगर बैटरी और चार्जर के बारे में बात करते हैं, बैटरी इसकी 4000 mAh की बैटरी है जो कि आपको अच्छा खासा एक दिन का यूसेज दे देगी। और इसका जो चार्जर है वो 15 volts का चार्जर है। आजकल 30 volts के चार्जर्स आने लगे हैं, 30 volts 33 volts। इस सैमसंग जो है 25,000 पर भी 15 volts का चार्जर देता है, बट मैं कहूँगा कि 15 volts इनफ है, अच्छा खासा फास्ट चार्ज कर देता है आपके फ़ोन को। अगर आप 30 volts में से कंपेयर करें तो थोड़ा स्लो है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम आप देखो 30 volts से आप डेली रेगुलर चार्ज करोगे तो आपकी बैटरी लाइफ बहुत ही जल्दी कम हो जाएगी। लॉन्ग रन के लिए आपकी बैटरी के लिए अच्छा नहीं है, तो 15 volts इज गुड एनफ। तो चलिए इसका ओवरऑल बात कर लेते हैं। अगर आप 25,250 rupees ये फ़ोन के ऊपर खर्चा करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, डिस्प्ले कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा में आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, बैटरी भी अच्छी खासी है 4000 mAh, लेकिन एक डे के लिए आपको इनफ है। तो गाइस कॉल क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, हेडफोन बॉक्स के साथ आता है, हेडफोन क्वालिटी भी अच्छी है, स्पीकर इसके अच्छे हैं, टाइप सी तो आपको मिल ही जाता है। और गाइस इसमें बहुत सारी चीज़ें कम थे इसमें, जो कि One UI 2.0 है, इसमें 2.1 अभी होगा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, अभी अपडेट के बाद बहुत सारी चीज़ें आने लगी है। तो चलिए अपडेट के बाद क्या, तो गाइस चलिए इसके अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। जब से मैंने फ़ोन लिया 2 या 3 अपडेट आ चुके हैं, तो सबसे बड़ा चेंज मैंने इसमें देखा, जब आप फ़ोन लेते हो तो जिसका UI है ना तो सेम आपको फ्लैगशिप का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, बट इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं आता था UI के अंदर, तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना होता, आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ता था, लेकिन अभी इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ चुका है अपडेट के बाद। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ चुका है अपडेट के बाद, ये रहा पहला चेंज। दूसरा चेंज जो है इसके कैमरा मॉड्यूल में चेंज होते हैं, जो कि अगर आप पहले प्रो मोड में आप शटर स्पीड मेंटेन मैनेज नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी आप शटर स्पीड भी आपको इसके बड़ा करा सकते हैं। तो बस फाइनली 25,250 rupees आपने खर्चा कर दिए, मैंने इस फोन के ऊपर खर्चा कर दिया, तो प्रोसेसर मुझे उतना अच्छा नहीं मिलता अगर मैं दूसरे से कंपेयर करूँ तो, बट इसका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है। तो गाइस एक और बात, अगर आप ये फ़ोन के ऊपर पैसा लगाते हो तो आप इसके सॉफ्टवेयर पर भी आप अपना पैसा लगा रहे हो, इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होने वाला है आपका। और जो सॉफ्टवेयर में आपको लॉक सिक्योरिटी भी मिलती है, जो कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर है, अगर आपको कोई पर्सनल चीज़ें हैं वो आप इसमें सिक्योर रख सकते हो। बहुत सारे सैमसंग और सैमसंग पे भी है जो कि फ्लैगशिप फीचर है, आपको इस प्राइस में भी मिलता है। बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं इसमें बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। तो प्राइस टू परफॉर्मेंस बात करो तो प्राइस फिर भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ऑफलाइन के हिसाब से बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि मुझे खुद बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा, मैंने जब फ़ोन परचेस करने का बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था फोन चालू 20,000 में, और अच्छे अच्छे मिल रहे थे, फिर भी मैंने 25,250 को लिया, और मैंने बहुत पैसा आपका सैमसंग के UI में भी आपका इन्वेस्ट हो रहा है। तो गाइस बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आना। Bye.